हेलो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जितने भी आज तक के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस, जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम आज कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड हैं और जो बचे हुए हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी फ्रेम हो सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके कवर करते हैं। तो इसलिए मैं जो उन लेक्चर्स में जो चीजें कवर हो चुकी है, जो क्वेश्चन उनमें कवर हो चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं उन्हीं को यहाँ डिस्कस करूंगा, और ये सब रिलेटेड है आपके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 5 से। और हम लोग कैसे पढ़ेंगे इनको, हम टॉपिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि इसके आसपास जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी हम कवर कर लें और वो सब भी सॉल्व हो पाए। तो आज का हमारा यही एजेंडा रहेगा कि हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 5 से रिलेटेड, और फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स, क्योंकि साथ साथ इन टॉपिक से रिलेटेड अगर करंट करंट न्यूज में कोई कुछ चल रहा है तो उसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अगर कुछ नया आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वो यहां से आपका कवर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि पहले मैं आपको थियोरी पढ़ाऊंगा, उस थियोरी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको पूरा चांस दूंगा कि आप उनके नोट्स बनाएं और उनको रिवाइज करें। फिर जब आप उनको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टाइप की आप बुक को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर कोई क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं उसका आंसर आपको पता चल रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं, और फिलहाल भी मैं मतलब फिलहाल तो मैं करंटली कहीं वर्किंग हूँ, पर टीचिंग मेरी हॉबी की तरह है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप अपने जितनी भी एग्जाम्स की कलेक्टिव नॉलेज है मेरे पास कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और कैसे जो क्वेश्चन बनाने वाले फ्रेम करते हैं उसको कैसे उनके दिमाग को पढ़ना है और कैसे अपने करंट से क्वेश्चन को निकालना है, ये सब टेक्निक्स आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियोस को देखोगे और इनको रिवाइज करोगे आप खुद ब खुद समझने लगोगे। वीडियो थोड़ा स्लो जरूर हो सकता है, पर जो लोग स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको समझना बहुत जरूरी है। आजकल लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे टिक लगा के पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि कोई भी एमसीक्यू लगा लिया और चले गए। फिर एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपने जो क्वेश्चंस एमसीक्यू पढ़े हैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन आया तो आपका फायदा है, पर अगर उसका थोड़ा भी इधर उधर जो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है, और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। बहुत स्लो स्लो बोलता हूं, दो दो तीन तीन बार बोलता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मेरे स्टूडेंट है वो भी दोनों एक साथ समझ पाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि समझना और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी आप याद रखेंगे चीजों को उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं लिखता हूं या कुछ बोलता हूं तो वो सीधा आपके दिमाग में जाता है। मैं जो भी ड्रॉ करता हूं आप भी ड्रॉ कीजिए अपने नोट्स में, आपका प्रैक्टिस होगा और आप किसी को पढ़ा भी पाएंगे अच्छे से। तो मैं इसके आगे आपका टाइम नहीं लूंगा और स्टार्ट करता हूं आज का। तो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चन वहां से फ्रेम होंगे, पर एक एक नंबर 1.33 मार्क्स के नंबर 1.33 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से कवर होंगे। 1.1 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर होगा यहाँ से। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और अभी तक जो पूछा गया है वो आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। इसके अलावा कुछ माइनस माइनस क्वेश्चन है जो आप नोट्स पढ़ के अपने आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना मैं समझ रहा हूँ कि आप ये लेक्चर्स को सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से। वैसे तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी जब हमने पढ़ा था तो, पर फिर भी एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो आप अपना कॉपी पेन लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कीजिए और इत्मीनान से इसको पढ़िए। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आप जितनी जल्दी करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, पेपर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना धैर्य से आप क्वेश्चन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 दिन का काम है एक सब्जेक्ट को तैयार करना, 10 दिन का काम है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन होता है। रिवीजन आप कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए और आपका क्वेश्चन आपका पेपर 100% निकलेगा। पर उसके लिए आपको पेशेंसली पहले चीजों को समझना होगा, सारा कोर्स कवर करना होगा। आप एक तरह से पकी पकाई खीर, गर्म गर्म खीर नहीं खा सकते, आपको पेशेंसली बनाना होगा सब कुछ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। मैं नहीं जानता आप धंधे किस समय ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिस भी समय देख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, और हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, तो पहला है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी जूलॉजी जो है वो स्टडी होती है आपकी लिविंग और डेड एनिमल्स की। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग एंड
डेड एनिमल्स, ओके, मतलब जो जानवर आज से पहले जो मर चुके हैं, जो आज से पहले कभी पाए जाते थे, उनकी स्टडी भी इसी के अंदर आती है, और जो जानवर आज की तारीख में जिंदा है उनके बारे में भी अध्ययन कर रहा हूं, ये जूलॉजी के अंदर आता है। अगर हम देखें तो जूलॉजी के फादर जो है, मतलब जूलॉजी का पिता जिनको कहा जाता है, वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरस्तु हम पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं अरिस्टोटल के बारे में। सो फादर ऑफ जूलॉजी है आपके अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कहिए, अरस्तु कहिए, बात दोनों एक ही है। और जो जूलॉजी है, जूलॉजी जो है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की। जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। गाइस दरअसल क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका यूपीपीसीएस में कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो उसका आंसर अरिस्टोटल है। पर और जूलॉजी की स्टडी किसके बारे में है, ये दो क्वेश्चन यहां से फ्रेम किए गए और पूछे गए। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है बायोलॉजी के फादर है, तो बायोलॉजी के फादर के बारे में भी पूछा जा सकता है, और बायोलॉजी किसकी स्टडी के बारे में, ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता था। तो इसलिए आपको नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सारे लेक्चर के बाद जो भी नोट्स बनेंगे उसमें से अगर आप उसको पढ़ के अच्छे से आपको याद है और आपको आपने प्रैक्टिस किया है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे इस चैप्टर से, इस कोर्स से रिलेटेड, आप उसमें से 80% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी बाहरी मटेरियल को पढ़े। सिर्फ नोट्स पढ़ के जाइएगा, 80% क्वेश्चन आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी जो 20% क्वेश्चन बचेंगे वो आपके करंट अफेयर से आएंगे, या तो मैं मिस कर दूंगा उनको या फिर आप मिस कर देंगे, इसलिए वो 20% बच जाएगा, वरना 80% आपका क्वेश्चन जरूर जरूर सॉल्व हो जाएगा। और 80% बहुत ज्यादा है सिलेक्शन के लिए, किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो अराउंड 60% आपको उस क्वेश्चन पेपर में, 60-70% आपको करेक्ट आंसर्स देने होते हैं और आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। पर नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से ये नहीं हो पाता, तो अगर आप 80% हिट करते हैं तो आप 70% क्वेश्चन करेक्ट पर रहते हैं, और वहां से जो आपके मार्क्स बनते हैं वो इन दोनों डिजिट्स के बीच में बनते हैं, और आप इजिली किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम दिया था जिसमें जनरल स्टडीज का भी पोर्शन होता था, और मेरे 96 मार्क्स आए थे 120 मार्क्स में से। ठीक है, एक और चीज होती है, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, कल्चर वर्ड का मतलब मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि जहां भी आपको कल्चर मिलेगा उसका मतलब आपको कैसे लगाना है, उसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, उसका मतलब क्या होता है। यहां पर है आपका वर्मी। वर्मी को अगर देखा जाए तो वर्मी साउंड करता है वॉर्म्स के जैसा। वर्मी, वॉर्म्स, ये आपका वॉर्म्स की तरह साउंड करता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो वर्मी साइंस है वो साइंस है रेजिंग, साइंस ऑफ रेजिंग अर्थ वॉर्म्स, ये है आपका साइंस ऑफ रेजिंग अर्थवॉर्म्स। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने अर्थवॉर्म्स के बारे में देखा था कि ये एनेलिडा ग्रुप से हैं, और ये किस फाइलम से हैं, एनेलिडा फाइलम से हैं, और साथ में लीच के बारे में देखा था, और ये कैसे चलते हैं ये भी हमने देखा था। तो यहां एक बार फिर अर्थवॉर्म आया है। अर्थवॉर्म एक तरीके से बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है अर्थवॉर्म के केस में कि मेल और फीमेल दोनों प्रजनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ये फीमेल भी बन सकता है और ये मेल भी बन सकता है। बाइसेक्सुअल को शो करने का सिंबल ऐसा होता है, अगर आपने कहीं नोटिस किया हो किसी मूवी के पोस्टर पर या कहीं भी, ये फीमेल का सिंबल होता है, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, और ये मेल का सिंबल होता है। मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल अक्सर लो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म। अब जो अर्थवॉर्म है उसकी एक खास बात होती है, मान लीजिए ये हमारा अर्थवॉर्म है, ये क्या करता है, जो सॉइल का ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है जो सॉइल में होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये उसको खाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट एज अ फूड ये लेता है, और जो ये वेस्ट निकालता है वो वेस्ट बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है,
और जो ये वेस्ट होता है एक तरीके से, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी यानी उर्वरता को बढ़ा देता है। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनिक फूड जो मिट्टी को, एज ऑर्गेनिक मिट्टी के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको खाता है और बाहर जो है वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को एक्सक्रीटा के रूप में निकाल देता है। इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को, क्योंकि ये खाद की तरह काम करता है। ये जो है, ये जो सॉइल है, ये खाद की तरह काम करता है, खाद की तरह काम करता है। खाद को मैन्यूर कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो तरीका है ये एक तरीके से है कंपोस्ट, ये नेचुरल कंपोस्ट मेकिंग प्रोसेस हुआ। अब वी से ही रिलेटेड एक और टर्म है, जो लेटर वी है। जनरली हम एक ही तरीके के साउंड करने वाले वर्ड्स को एक साथ लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि वो एक ही जगह हमें दिख जाए पढ़ते वक्त और हम कंफ्यूज ना हो। जैसे कि एक है आपका विटिकल्चर, विटिकल्चर जो विटिकल्चर है, विटिकल्चर को याद रखने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ड्रिंक करते हैं या क्या करते हैं, पर मैं आपको बताता हूं। एक विस्की का ब्रांड है, एक विस्की का ब्रांड है जिसका नाम है वैट 69। मुझे तो पता है पर आप जानते हैं नहीं जानते, वैट 69। तो ये एक तरीके से वाइन हुई, वाइन लीकर आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है क्या होता है, पर हाँ वाइन, वाइन आप सभी ने देखी होगी। वाइन जो है, वाइन का ग्लास बड़ा प्यारा सा होता है, उसमें उसमें जो रेड कलर की वाइन रहती है। तो जो वाइन बनती है दोस्तों वो ग्रेप्स की भी बनती है, जो वाइन बनती है वो ग्रेप्स की भी बनती है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं वीटी, वीटी से आप वैट 69 पहुंचेंगे। वैट 69 है आपकी वाइन, वाइन होती है ग्रेप से बनी हुई, तो वीटी कल्चर हुआ क्या, स्टडी ऑफ ग्रेप्स। ये भी दोस्तों क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है, ये स्टेट एडमिन सर्विसेज में पूछा गया है, यहां से ये क्वेश्चन स्टेट एडमिन में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और यहां से फ्रेम हुआ है जो मैं आपको बता देता हूं कि वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या है, साइंस ऑफ रेजिंग अर्थवर्म। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर एक बार पढ़ चुके हैं तो ये एक ना एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में आपको मिलेंगे, और ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि कोर्स लिमिटेड होता है, क्वेश्चन फ्रेम करना ही होता है, तो वो पूरे कोर्स में से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। और जनरली आप एमसीक्यू लगाते हैं और मतलब एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं, और एमसीक्यू जनरली जो आपने पढ़ा वो नहीं आता तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, पर अगर आप पूरा कोर्स पढ़ के जाते हैं और उसको समझते हैं तो आपको याद रखने में और जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और आप सही आंसर हिट करते हैं। ऐसे ही एक और होता है दोस्तों वी से ही, वायरोलॉजी, वायरो लॉजी। अब आपने कभी कभी सुना होगा कि हम बोलते हैं वायरल फीवर हुआ है मुझे, मुझे वायरल फीवर हुआ है। तो यहां से आप देखिए, कोई कहता है कि मुझे वायरल फीवर हुआ है, तो जो वायरल फीवर होगा वो ऑब्वियसली है वायरस की वजह से होगा। हमने वायरस के बारे में पहले भी पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि वायरस के पास सिर्फ आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, आरएनए और डीएनए एक साथ वायरस में नहीं पाए जाते। और वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा, उनको कौन ट्रांसमिट करता है, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, उनको मैंने यहां कवर नहीं किया है क्योंकि आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उनके आंसर के बारे में पता चल जाएगा। तो जो मैंने पीछे कवर नहीं किया है वो मैं यहां कवर कर रहा हूं, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को फॉर्म करने का, ताकि आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं वहां से खुद ब खुद क्वेश्चन आपको आने शुरू हो जाए, लगने शुरू हो जाए। तो वायरोलॉजी मतलब वायरल फीवर से आप याद रखेंगे, और वायरल फीवर वायरस की वजह से होता है, तो ये हुआ आपका स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस। इसको मैं चेंज कर देता हूं, स्टडी ऑफ वायरस। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज और है जिसे हम कहते हैं फ्रेनोलॉजी। ये वर्ड थोड़ा सा अजीब साउंड करता है और पर इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताता हूं, फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। अब फ्रेनोलॉजी में क्या होता है, ये तो आपका पीएच वर्ड है दोस्तों, इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा।
ठीक है, इसको याद रखने का हिंट यही है। पीएच जनरली हम फोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां पर को आप समझिए कि ईयरफोन्स है। अगर ईयरफोन्स हैं तो ईयरफोन्स कुछ इस तरह से होते हैं, अगर आपने कभी किसी ने देखा है ईयरफोन हेडफोन्स वगैरह जो भी है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और यहां से एक ऊपर जा रहा होता है। और एक कंपनी है दोस्तों जो ईयरफोन्स बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है स्कल कैंडी। मैं नहीं जानता आप लोग ये कंपनी के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, पर ये कंपनी बहुत ही फेमस है, स्कल कैंडी। स्कल कैंडी मतलब फोन बनाती है, ईयरफोन्स बनाती है। और ये पीएच दोनों में यहां आप एक लिंक बना सकते हो कि कैसे ध्यान में रखना है। और जो स्कल कैंडी है जो आपका ईयरफोन बनाती है, तो जो फ्रेनोलॉजी हुआ, फ्रेनोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। स्कल का मतलब होता है दोस्तों खोपड़ी, जो हमारा ऊपर का जबड़ा होता है, हड्डी का जो स्केलेटन होता है उसको हम कहते हैं खोपड़ी, उसे खोपड़ी कहा जाता है, मतलब स्कल। ये इंपॉर्टेंट रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डायरेक्टली, व्हाट इज फ्रेनोलॉजी। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, जिनसे हम एसडीएम वगैरह बनते हैं, बहुत सारे मतलब पोस्ट आते हैं बड़ी बड़ी, उन क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट एग्जाम्स, लोअर जुडिशियल, इस तरीके के एग्जाम्स हैं जहां तक मुझे लगता है जहां से मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जनरल एग्जाम्स हैं जहां पर को जहां लाइफ साइंस जैसे जनरल साइंस या फिर लाइफ साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में रहता है, वहां से भी ये क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये वहीं के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पर इसको हम कोर्स के तरीके से पढ़ेंगे, ना कि एमसीक्यू के तरीके से। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, बाकी अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर होने शुरू हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूके पीसीएस 2005 में, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसको अलग से मेंशन किया है कि पेलियो बॉटनी स्टडी ऑफ। अब जिन्होंने मेरे लेक्चर पहले लिए हैं उनको इसका आंसर एकदम से पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके पीसीएस 2005 में। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहां पर को कंफ्यूज होने के चांस बहुत थे, पर अगर जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पहले पढ़े हैं या जिन्होंने कोर्स को अच्छे से पढ़ा है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, टफ क्या मतलब उनको ये आसान लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पेलियो बॉटनी इज स्टडी ऑफ। चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला फॉसिल ऑफ एनिमल्स, दूसरा स्टडी ऑफ एल्गाई, नंबर तीसरा फंगाई, नंबर चौथा नन। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पहले पढ़े हैं तो उनको पता है कि एल्गाई की स्टडी को बोलते हैं एल्गोलॉजी और फंगाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। मैंने आपको बताया था ट्रिक याद रखने का, माई फंग मतलब माइकोलॉजी फॉर फंगाई और रिमेनिंग एल्गोलॉजी फॉर एल्गाई, बिकॉज देर इज अ कंफ्यूजन, यही कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए कीवर्ड मैंने आपको बताया था। ऐसे ही मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको ये वर्ड मिले बॉटनी, बॉटनी वर्ड है वनस्पति से रिलेटेड, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और जैसे ही आपको वर्ड मिले पेलियो, इसका मतलब है पुराने टाइम में कहीं, ये वर्ड ये दरअसल इंग्लिश के वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो पुराने से कहीं, एंशियंट या ओल्ड, जो मतलब बहुत पहले हो चुका, ऐसा इसका मतलब है। और जो फॉसिल को हम कहते हैं आपका जीवाश्म, हिंदी में हम इसको जीवाश्म कहते हैं, तो जीवाश्म जो होते हैं वो बहुत ही पुराने समय में पाए जाने वाले जीव जंतु या फिर वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, जो मतलब जो पत्थरों में आपके फंसे रहते हैं। और पत्थर भी कौन से, स्पेसिफिकली सेडिमेंटरी रॉक, ये हम आगे पढ़ेंगे यहां तो नहीं, पर अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉसिल्स कहां पाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन होगा सेडिमेंटरी रॉक्स में ही फॉसिल फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस और लाइमस्टोन, ये सब जितने भी मिनरल्स हैं ये सेडिमेंटरी रॉक्स में ही पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपका फॉर्म हो सकता है, पर हम फोकस करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर देखने से लगता है कि पेलियो बॉटनी, अगर कोई जिसने बस इस बात पर फोकस किया हो कि पेलियो का मतलब पुराने टाइम में होता है, मतलब जीवाश्म के रूप में उसने देखा होगा, तो जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में इस ऑप्शन को टिक मारने की कोशिश करेगा, जबकि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां पर है बॉटनी ना कि पेलियोलॉजी। अगर
यहां पर बॉटनी है तो इसका मतलब ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो इन जानवरों से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट जो है वो है नन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर कुछ जिन्होंने करेक्ट आंसर में नन लगाया है उनको मार्क्स मिला होगा, और बाकी शायद कंफ्यूज कर गए होंगे, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है लेक्सिकोग्राफी। ये बहुत ही न्यू है, लेक्सिकोग्राफी। अब लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है कि डिक्शनरी को तैयार करने की जो आर्ट है, मतलब जो डिक्शनरीज बनती हैं, बहुत सारे आपने देखी होगी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये सब वगैरह टाइप की डिक्शनरी, जहां पर को वर्ड्स का बहुत सारा कलेक्शन होता है। तो इस आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डिक्शनरीज, पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज को हम हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, शब्दकोश हम हिंदी में कहते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे भी आप अपने आप दिमाग में रिदम बना सकते हैं, या कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है जो मैं लेना चाहता हूं, और जिन्होंने शायद पिछले नोट्स पढ़े होंगे अच्छे से वो फिर से आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जितने भी 60% क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको नोट्स में कवर कर दिया है, पर ये वो क्वेश्चन है जहां पर कोई या तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, या फिर ये थोड़ा सा न्यू लगे आपको, इसलिए मैं यहां उसको ऐड कर रहा हूं एज अ एडिशनल टॉपिक। ओके, तो एक क्वेश्चन था, रियरिंग सिल्क वॉर्म रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, और ऑप्शन दिए गए आपको हर बार की तरह चार। पहला ऑप्शन था एपिकल्चर, एपिकल्चर। दूसरा ऑप्शन दिया गया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तीसरा ऑप्शन दिया सेरीकल्चर, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको फ्लोरी कल्चर। अब जिन्होंने लेक्चर वन मेरा देखा है वहां पर मैंने बहुत सारी स्टडी ऑफ कवर की है, और उनको याद रखने की हिंट्स दी हैं, डिटेल में उनको समझाया है कि उनको याद रखने के लिए दिमाग में कैसे बैठाना है ये सब। तो इसका आंसर अगर आप में से किसी को पता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं सेरीकल्चर, जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा है वो इजीली इसका आंसर सेरीकल्चर लगाएंगे, क्योंकि सेरी रिलेटेड होता है सिल्क से। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उस लेक्चर में भी कि कैसे याद रखना है, पर यहां पर एक टर्म है एपिकल्चर जो मैंने कवर नहीं की थी उस लेक्चर में। एपिकल्चर का मतलब होता है स्टडी ऑफ रियरिंग बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, यहां मधुमक्खी से बी का मतलब है, या फिर इसको कह सकते हैं हनी बी, हनी बी भी इसको कहा जा सकता है। सेरी, सेरी को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इसको याद कैसे रखें। सेरी, सेरी को आप ध्यान में रखें कि सारी, और सारी अक्सर सिल्क की होती हैं, सिल्क की सारी अक्सर पॉपुलर होती हैं, और भारत में मैसूर सिल्क सारी बहुत फेमस है। और यहीं से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं कि जो कर्नाटका है, जो कर्नाटका स्टेट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया है। अब कर्नाटका में एक सिल्क बोर्ड भी है, हर वैसे तो हर स्टेट में सिल्क बोर्ड होता है, एक सिल्क बोर्ड भी है, और सिल्क की भी दो वैरायटी पाई जाती हैं इंडिया में, और जिनसे एक मलबेरी सिल्क है और एक और सिल्क है जिसका नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं है। मैं जब इसको कवर करूंगा मैं तब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मलबेरी सिल्क जो है वो बहुत मतलब वो कर्नाटका में भी होता है और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी होता है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, जिन्होंने वो लेक्चर पढ़े हैं पिछले उनको पता है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ गार्डन प्लांट्स, मतलब बागवानी के पौधों की पढ़ाई। अब फ्लोरिकल्चर एक नया चीज है जो मैंने पहले कवर नहीं किया है। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ फ्लावर्स बट फॉर डेकोरेशन पर्पस, मींस स्टडी ऑफ
फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना है, एक और चीज हमने पढ़ी थी फ्लावर्स से रिलेटेड, एंथोलॉजी, अगर आपको याद हो, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता था? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स बट बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से, वनस्पति विज्ञान के हिसाब से जो स्टडी है उसकी, उसको कहते हैं हम एंथोलॉजी। और डेकोरेशन मतलब सजावट, सजावट के हिसाब से अगर हम इसकी स्टडी करते हैं फूलों की, तो उसको करते हैं हम फ्लोरिकल्चर में। और अगर आपने कभी कोई हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो उसमें कहीं बार हीरोइन जो है वो फूलों की दुकान पर फूल बेच रही होती है, जिसको फ्लोरिस कहा जाता है। तो फ्लोरिस और फ्लोरिकल्चर वो वहीं से रिजेंबल है। मतलब लाइफ साइंस की यही सबसे अच्छी बात है कि आप रियल लाइफ में चीजों को रिलेट कर सकते हो, याद रखने में आसानी होती है, और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट में से एक होता है। और अमूमन 10 क्वेश्चन यहाँ से इजीली पूछे जा सकते हैं किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम में। 10 क्वेश्चन का मतलब आप समझिए 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। बस हाँ पढ़ना है, देखिए जॉब तो ऐसे लगेगा नहीं, आपको मेहनत तो खूब करनी ही पड़ेगी, पर मेहनत भी क्या, आपको पढ़ना क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ना चाहिए ये दूसरी बड़ी चीज है। अगर आप यहाँ दोनों में बैलेंस बना ले जाते हैं, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है जेरी। ये एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है, ओल्ड गाय, जिसका नाम है जेरी। अब जेरी क्या है, जेरी एक दिन अपना डंडा लेकर रस्ते पर निकला। जैसे ही वो रस्ते पर निकला, रस्ते में एक बंप आया और जेरी जो है वो गिर गया और जेरी की टांग टूट गई, उसकी टांग जो है ब्रेक हो गई, मतलब पैर की जो टांग थी वो टूट गई। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया जेरेंटोलॉजी। अगर आप में से किसी ने वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस की बुक पढ़ी है तो उसमें कैसे समझाया गया है वोकैबुलरी को, क्योंकि इंग्लिश भी पेपर्स में पूछी जाती है तो हम लोगों को वोकैबुलरी भी पढ़नी होती है। तो वोकैबुलरी में उसमें क्या है कि लैटिन जितने भी ओरिजिन वर्ड्स हैं उनका मतलब दिया जाता है। और यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये जो जेरी है, इस जेरी का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड। तो यहीं से एक वर्ड और बनता है जो नॉर्मन लुइस में दिया गया है, जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स मतलब क्या होता है आपका, मेडिकल केयर ऑफ ओल्ड पीपल, मेडिकल केयर ऑफ ओल्ड पीपल। फिर से नोट कीजिएगा, ओल्ड पीपल। तो जेरेंटोलॉजी अगर आप चाहें तो फिलहाल गेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब, तो एक जो जेरेंटोलॉजी का मतलब है वो, उसका मतलब ये है स्टडी ऑफ ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे का अध्ययन, एक तरीके से बुढ़ापे का अध्ययन। तो बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है वो जेरेंटोलॉजी में होता है। ठीक है, तो आप ओल्ड जेरी की स्टोरी से जेरेंटोलॉजी वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं क्योंकि वरना ये थोड़ा प्रॉब्लम करने लगता है सॉफ्टवेयर। ओके, तो हम देखते हैं एक चीज और आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ये जितने भी चीजें हैं ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, और आप क्वेश्चन अब खुद से फ्रेम करना सीखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि मतलब किसकी स्टडी क्या है, या कोई इससे मिलता जुलता वर्ड है तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। मतलब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वहां तक पहुंच सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दीजिए और एक दो आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो इन नोट से कवर हो ही जाएगा, और आप हमेशा एक सही आंसर ही चुनेंगे अगर आपके पास प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर नोट्स हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। लेक्चर देखने या एमसीक्यू सॉल्व करने से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होते, आपको पूरा कोर्स पढ़ना होता है, समझना होता है, उसको उतना टाइम देना होता है। एक बिल्डिंग को बनाने में जितना टाइम लगता है वो लगता ही है। आप चाहे तो बिल्डिंग 10 दिन में खड़ी कर सकते हैं, 20 दिन में खड़ी कर सकते हैं, पर वो मजबूत नहीं होगी। इसलिए आपको पढ़ना जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बचे नहीं। आप गेस वर्क या किस्मत भरोसे मत बैठिए, अपने हार्ड वर्क के ऊपर बैठिए और आपको पक्का सफलता मिलेगी।
डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इफ यू आर रिलाइंग ऑन हार्डवर्क. ओके, एक और टर्म है जिसका नाम है ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी, 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 व्हाट डज इट मीन. जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी मम्मी ने मुझे जो एक टैबलेट थी स्टोर से लाके दी, उस टैबलेट का नाम था ऑस्टो कैल्शियम. शायद आप लोगों ने कभी अपने बचपन में खाई हो ये टैबलेट, ऑस्टो कैल्शियम. ये क्या था कि अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए तब ये टैबलेट दी जाती थी. और जो कैल्शियम है हम जानते हैं वो किसके लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए. तो ये इंप्रूव करता है बोन डेंसिटी को, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है. ये सब आपको पता ही है और ये लाइफ साइंस में, यही लाइफ साइंस की ब्यूटी है कि चीजें रिलेट होंगी, आपको प्रैक्टिकली समझ आएंगी. ठीक है, तो कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम इंप्रूव करता है बोन्स को. ठीक है, तो मैं इसको ऑस्टियो, ऑस्टियो जो वर्ड है वो ऑस्टो कैल्शियम से मिलता जुलता है. तो आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं ये चीज कि ऑस्टो कैल्शियम कैल्शियम से रिलेटेड था और कैल्शियम हड्डियों से रिलेटेड था. तो ऑस्टियोलॉजी जो है वो होगी आपकी स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स. ओके, अब कभी कभी अगर एक चीज और यहां से अच्छी सी निकलती है जो आप लोगों ने नोटिस की होगी, आप कभी अगर हॉस्पिटल जाए तो वहां पर कोई एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्थो, जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसके डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना है और हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं भैया हड्डियों वाले डॉक्टर से मिलाओ यार. मेरी हिंदी की स्पेलिंग को थोड़ा मतलब वर्तनी के लिए माफी चाहूंगा, हड्डियों का डॉक्टर. तो ऑर्थोपेडिक जो होता है वो होता है आपका हड्डियों का डॉक्टर. यहां भी हड्डियां हैं देखिए, बोन अगेन. तो ये सब लैटिन वर्ड्स हैं जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इनका मतलब एक ही. अगर आपको इंग्लिश भी पता है तो भी आप लाइफ साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन हम लेंगे कुछ ऐसा. हम कौन से नंबर पे हैं ये देख लेते हैं, सॉरी मैं नंबर भूल गया हूं, 10th. अब है 11th, 11th पे चलते हैं. ओके, 11th है एक क्वेश्चन जो फिर से पूछा गया है और मैंने पिछले नोट्स में इसको कवर नहीं किया है, तो इसको बताना जरूरी हो जाता है आपके लिए. म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय, और ये भी आपका पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दिए गए फिर से चार. पहला हक्सले, दूसरा डार्विन, तीसरा लेमार्क, चौथा ह्यूगो डी वरीज. मैं इसकी इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, ह्यूगो डी वरीज. ओके, जिन जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं तो उनके लिए इसको ऐसे टैकल करते हैं. ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया था, मैंने भी इसको अपने कभी जब मैं प्रिपेयर करता था तो तब मैंने इसको नहीं पढ़ा था. तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता अपने लिमिटेड नोट्स से, मतलब जितने भी नोट्स मैंने पढ़े थे मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है और थ्योरी ऑफ मटेरियल मैंने पिछले नोट्स में कवर नहीं किया है. अब एक ये नया क्वेश्चन है, इसको हैंडल कैसे करूंगा. पर मुझे पता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मैं जानता हूं किसने दी थी, वो डार्विन ने दी थी. तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऐसी कोई थ्योरी डार्विन ने नहीं दी, ओनली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने दी थी. ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये जानता हूं कि लेमार्क ने भी एक थ्योरी दी थी, पर जो लेमार्क की थ्योरी थी वो ये बिल्कुल नहीं थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. लेमार्क ने आपकी वो जिराफ वाला, याद है आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो जिराफ वाला केस है लेमार्क उनके बारे में बोल रहा था. ठीक है, मतलब एक्वायर्ड इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में बोला, और यूज एंड डिसयूज के बारे में इसने एक और बात बोली कि जो बॉडी पार्ट आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो ज्यादा बढ़ता है और जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते तो वो नहीं बढ़ता. जैसे कभी कभी टीचर मस्ती मस्ती में बच्चों को बोल देते हैं कि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका दिमाग ही नहीं होगा, ठीक है, आगे आपकी पीढ़ियों में. ऐसे जिराफ वाला केस, तो ये भी ये नहीं है. तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है,
हक्सले के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मेरे पास 50-50 ऑप्शन बच जाता है यहाँ। तो हक्सले से बेटर है मैं इसको ह्यूगो डिवरीज के लिए जाऊंगा, पर ये तरीका नहीं है एग्जाम को ऐसे हिट एंड ट्रायल करने का। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी जानते थे तो इसका आंसर आप दे सकते थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा, इसकी थ्योरी क्या थी। ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा था, ह्यूगो डिवरीज ने कहा था कि जो एवोल्यूशन है वो धीरे धीरे नहीं हुआ है, जैसे कि डार्विन और लेमार्क सोच रहे थे, डार्विन सोच रहे थे कि हम धीरे धीरे एवॉल्व हुए, मतलब बंदर से वानर बने, वानर से कपी, कपी से हम बने ह्यूमन, मतलब इंसान बने। तो ये जो क्रम है, वो जो पिक्चर देखी है आपने बंदर से आदमी बनते हुए वाली टी शर्ट्स के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो वो डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो जो ह्यूगो डिवरीज है वो टोटली इसके उल्टा थे। वो बोलते हैं कि नहीं, सडन एक दिन कोई अचानक से कुछ एक नया जो चेंज है वो किसी स्पीसीज में आ गया और वो आगे अगली पीढ़ियों में कैरी होता गया, और इस वजह से जो हमारा जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, वो हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो सडन एक तरह का आपका वेरिएशन है, इसको म्यूटेशन कहा जाता है। अगर आपने हल्क देखी होगी, एक मूवी है हल्क, उसमें वो गामा रेडिएशन से अफेक्टेड हो जाता है और अचानक से नॉर्मल आदमी से बहुत बड़ा सांड बन जाता है, जिसको हल्क बुलाते हैं। तो सेम यही है, आप उसको याद रख सकते हो उसी स्टोरी से। मैं लिख देता हूं एक स्टेटमेंट ताकि आपके नोट्स में ये ऐड हो जाए। न्यू स्पीसीज फॉर्म बिकॉज ऑफ अपियरेंस ऑफ सडन वेरिएशंस। नॉट कंटिन्यूअस वेरिएशंस। वही बात है जो मैंने आपको समझाई। और यहां पर जो सडन वेरिएशन का मतलब है, सडन वेरिएशन का मतलब है आपका म्यूटेशन। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जादूगोड़ा से रिलेटेड, जादूगोड़ा छत्तीसगढ़ में है शायद, वहां पर कोई यूरेनियम की खान है, यूरेनियम की खान तो बहुत पहले बंद हो चुकी है या थोड़ा बहुत अभी भी वहां से यूरेनियम को निकाला जा रहा है। तो वहां पर कोई यूरेनियम जो है वो पानी में मिल गया है, और पानी में मिलने की वजह से जो वहां के बच्चे हैं उनके एक हाथ पैर विकृत रूप से पैदा होते हैं, डिफॉर्म पैदा होते हैं बच्चे, और इस चीज को म्यूटेशन कहते हैं। सेम ऐसा ही हुआ है इराक में, आप चाहे तो गूगल करके देखिएगा, जादूगोड़ा और इराक दोनों जगह ऐसा हुआ है। इराक में भी जो यूएस मिलिट्री है उनके वेपन्स में, अपने वेपन्स को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वेपन्स में अपग्रेडेड यूरेनियम लगाना शुरू किया, जिससे जो पेनिट्रेशन पावर है बुलेट्स का, यूरेनियम डिप्लीटेड बुलेट वो इस्तेमाल किए, जो पेनिट्रेशन पावर है बुलेट का वो बढ़ गया, और वो जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मतलब जो आर्मर्ड व्हीकल है, उनको भी पियर्स कर सकती थी। पर जो रिमेन्स है बुलेट्स के और जो उन गाड़ियों के, उनकी वजह से जो यूरेनियम है वो पानी में, मिट्टी में लीच कर गया, और मतलब लीच मतलब रिस गया, और उसके बाद वो पेड़ पौधों में मिल गया वहां के, और वही पेड़ पौधे जो मतलब वो खाने में और पानी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में एंटर कर गए, और बॉडी में एंटर करने के साथ साथ वहां पर कोई ये म्यूटेशन होना शुरू हो गया। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दी इसके बारे में, ये थोड़ा सा जस्ट नॉलेज के लिए आपकी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वीडियो का लेंथ कितना हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस सके। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो देखना है। मैं इसलिए स्लो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बच्चे मेरे साथ में नोट्स बना रहे होंगे, तो इसलिए नोट्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ताकि वो नोट्स बना ले और समझ भी ले, कुछ छूट ना जाए उनका। जनरली क्लास में क्या होता है कि टीचर बोल रहा था, नोट्स बना रहा था, आधा ध्यान उधर रहता है। तो एक चीज और है जिसको हम देख लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन है, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, इस पेज पे नहीं। ओके, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS 2002 में। ये मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा और मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए इस क्वेश्चन को, और जिसने नोट्स पढ़ा है उसको शायद इसका हिंट मिल जाए। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय। और ऑप्शन दिए गए आपको हमेशा की तरह चार ऑप्शन, पहला यूज एंड दिस यूज ऑफ ऑर्गन, ये एक थ्योरी है। दूसरा अडेप्टेशन टू लिविंग इन बरोज, अडेप्टेशन
टू लिव इन बरोज, बरोज का मतलब होता है दोस्तों बॉम्बे। आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी मेरे साथ पढ़ पढ़ के, मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लिश हिंदी का कोऑर्डिनेशन भी आपको आने लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा इंग्लिश से। तीसरा ऑप्शन है आपका नेचुरल सिलेक्शन, नंबर चौथा है आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, तो अब जिन्होंने पिछले लेक्चर्स लिए हैं तो उनको शायद कुछ कुछ आइडिया मिलना शुरू हो कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते थे हम, कैसे इसको देखा जा सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर्स में, जब मैं विजमन के बारे में पढ़ा रहा था, जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी जो विजमन ने दी थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो उसमें क्या था, विजमन ने क्या बोला था, चूहे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, जो चूहे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और पूंछ काट रहे थे बार 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 बार, तो उन्होंने एक तरीके से जो उनसे पहले वाले लोग थे मतलब लेमार्क और डार्विन जो थे, उन्होंने बोला था कि जो आपका ऑर्गन है अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो आपका लुप्त हो जाता है, और जिस ऑर्गन का आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो आपका बढ़ जाता है। वही जिराफ वाली स्टोरी कि जिराफ की गर्दन बढ़ गई थी क्योंकि जिराफ को खाना खाने के लिए ऊपर उछकना पड़ता था और उसकी मसल स्ट्रेच होती थी गर्दन की, इसलिए जिराफ की अगली पीढ़ियों की गर्दन लंबी होती चली गई, लंबी होती चली गई। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था वहां मोल का, ठीक है, तो जो मोल का एग्जाम्पल था, मोल और जिराफ का एग्जाम्पल था, ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे। मोल में क्या था कि मोल धरती के अंदर रहता है तो जो आईज है वो नहीं होती इसकी, मतलब आईज उसकी लुप्त हो जाती है और आग बालों से कवर हो जाती है क्योंकि मोल को धरती के अंदर मतलब अंडरग्राउंड आईज की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक तरीके से वही था कि जो आपका, जो आपका वो था कि क्या बोलते हैं कि हाँ इस ऑर्गन की इसकी जरूरत नहीं है तो इसलिए ये यूज में नहीं आएगा। तो यही यूज और डिसयूज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। तो ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट है स्नेक्स के लिए भी, क्यों, क्योंकि धरती के अंदर जो सांप है उसको, उसकी जो स्नेक है उसको उनकी जरूरत नहीं है पैरों की। तो ये यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट यहां पर को इसको जस्टिफाई करता है कि हाँ ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स में जब ऐड करें तो आपको याद रहे। जो यूज एंड डिसयूज का जो ऑर्गन का जो थियोरी है फर्स्ट गिवन बाय, फर्स्ट गिवन बाय लेमार्क, वही जिराफ वाले भैया लेमार्क, और इसको सपोर्ट किया डार्विन ने भी, डार्विन भी इस थ्योरी के सपोर्टर थे, ठीक है। बट हमारे जो विजमेन थे मतलब हमारे जो वाइज मेन थे मतलब सयाना आदमी, मैंने आपको समझाया था कि कैसे याद रखना है विजमेन, उन्होंने चूहों के जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, अगर आप लोग रिकॉल कर पाए, तो उन्होंने बोला कि जो इनहेरिटेंस के जो कैरेक्टर्स हैं वो दो टाइप की सेल्स के थ्रू ही जा सकते हैं, एक सोमैटिक सेल मतलब दो टाइप की सेल्स होती हैं जो सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल्स, जर्म सेल्स को आप कह लीजिए सेक्स सेल्स। आपको याद है वो पिक्चर ओवम और स्पर्म का, कि जो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर हैं वो सिर्फ इन्हीं की वजह से जाएंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आपकी क्वालिटियां जाएंगी। तो ये इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी थ्योरी, विजमिन ने ये थ्योरी जो थी आपकी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की रिजेक्ट की थी। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो वहां इसका डिटेल में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस ये याद दिलाना चाह रहा था कि आपको ये है। और यहीं पर आप एक चीज और देख लीजिए, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेमार्क, लेमार्क ने जो थियोरीज दी हैं उनको लेमार्किज्म कहा जाता है हिंदी में। मैं अपनी 9th की बायोलॉजी में जब पढ़ता था तो उसको लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता था। और लेमार्कवाद में दो चीजें हैं, पहली तो आपकी इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और दूसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब इफ यूजफुल ऑर्गन तो ये डेवलप होगा मतलब आपकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा अच्छे से, ये थियरी ऐसा कहती है। इफ नॉट इन यूज तो ये लॉस्ट हो जाएगा, वही आपका मोल की आई वाला कॉन्सेप्ट। पर ये थ्योरी सही नहीं है दरअसल, बाद में इसको विजमिन ने रिजेक्ट कर दिया था, मैं बस बताना चाहता हूँ थ्योरी में था क्या, ठीक है। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये आप जानते हैं जिराफ वाला केस, फिर से
जिराफ का केस देके समझाया था लेमार्क ने। नेचुरल सिलेक्शन आप जानते ही हैं किसने कहा था, हमारे चार्ल्स भैया ने, कि वही जो मैंने आपको समझाया था, रेड इंसेक्ट एंड ग्रीन इंसेक्ट, रेड इंसेक्ट और ग्रीन इंसेक्ट वाला केस, कि अगर पहले सब मान लीजिए आपके रेड इंसेक्ट हुआ करते थे तो रेड ज्यादा विजिबल थे बर्ड्स को और वो उनको खा लेते थे, अगर सडनली कोई ग्रीन इंसेक्ट आ जाए तो वो ग्रीन इंसेक्ट जो ग्रीनरी में हाइड हो जाएगा और उसको जो बर्ड्स नहीं देख पाएंगे और वो जल्दी नहीं मरेगा, उसके जीने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा क्या करते, तो इसी प्रक्रम में जो आपका नेचुरल सिलेक्शन था वो उस थियरी को दिया गया। ये पिछले लेक्चर में सब डिटेल में है, आप लोग चाहे तो फिर देख सकते हैं उसको या दोबारा से रिकॉल करने के लिए। और अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप किसी भी पॉइंट पे उसको फास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में ये ऑप्शन है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ने में थोड़े शार्प है, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ जो पढ़ने में उतने शार्प नहीं है और उनको टाइम लगता है चीजों को समझने में और नोट्स बनाने में, ठीक है। और मेरी फिर भी कोशिश रहेगी कि आपका कम से कम टाइम मैं वेस्ट करूँ ताकि आप लोग और भी बहुत सारे काम कर सकें। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं, सेकंड पार्ट में कुछ चीजें मैं ऐड कर दूंगा और जो आपके लिए यूजफुल होंगी, ठीक है। अभी आप इसी को इसी के नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए एक बार। कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको मैं आगे लेता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ये आप या थोड़ा समझना सीखिए कि मतलब अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिसके अराउंड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपके घर में कोई भी किसी जॉब की तैयारी कर रहा हो, आपका भाई बहन या आपके आसपास पड़ोस में कोई भी बच्चा, कोई लड़का लड़की या कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज उसको ये रिकमेंड कीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं एक बहुत ही गाँव के इलाके में रहता था और वहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं थी कि मतलब अच्छा कोचिंग और उसका अच्छा कंटेंट मिल सके, पर जैसे तैसे करके मैंने इसका जुगाड़ किया और पढ़ा और फिर उसके बाद एग्जाम्स भी क्लियर किए तो मुझे समझ में आया कि एग्जाम में क्या चाहिए, वो कौन सा मटेरियल है और उस मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जॉब्स क्लियर की हैं, चार, वो भी सब बीटेक लेवल की जॉब। और उस जॉब्स को क्लियर करने के बाद मैं पांचवी जॉब पे अभी काम कर रहा हूं अपनी, मतलब मेरा जीविका चलाने का साधन ये जॉब है, ना कि ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब पढ़ाना मेरी हॉबी है, मुझे बचपन से ही पढ़ाना पसंद है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मतलब जो मेरे तरीके के लोग थे जिनको उस समय रिसोर्सेज नहीं मिल पाए उतने, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, बस यही इसका मेन एम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो और आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप प्लीज सब्सक्राइब इसको कर लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे पता हो कि मेरी ऑडियंस कितनी है, तो मैं उसी के हिसाब से कंटेंट उनके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं बोलता बहुत हूँ, थैंक यू सो मच। आप अपने दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी और काम के लिए, प्लीज इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ नोट्स ही काम आएगा आपके, कोई वीडियो कोई एमसीक्यू बुक आपके काम नहीं आएगी। एक बुक रिवाइज करना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए और वीडियो आप उस दिन नहीं देख सकते, तो इसलिए आपके नोट्स होना आपके साथ बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग, प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसे वैसे नहीं है इस चीज का और मैं सिर्फ पैशन के लिए इसको पढ़ा रहा हूँ, ना कि किसी और चीज के लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।